Hey girls, welcome again. कैसे हैं आप सब? शादी होने वाली है और स्किन की टेंशन हो रही है ना? स्किन पर ग्लो नहीं है, या अगर है भी तो और ज्यादा ग्लो चाहिए, क्योंकि हर दुल्हन चाहती है, हर लड़की चाहती है कि उसके शादी वाले दिन उसके ऊपर ही सबकी नजरें रहे और उससे ज्यादा कोई भी खूबसूरत ना लगे। वैसे ऐसा होता भी नहीं है, दुल्हन ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर भी हम नेचुरली अपनी स्किन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारी स्किन ही ऐसी हो कि बहुत ज्यादा हमें मेकअप वेकअप से छिपाना नहीं पड़े, कुछ भी कि दाग धब्बे डार्क सर्कल कुछ भी छिपाना नहीं पड़े मेकअप से, और नेचुरली हमारी स्किन पर इतना ग्लो रहे कि बिना मेकअप के भी हम बहुत ज्यादा हसीन खूबसूरत लगे। तो जी, ऐसा ही आज बताने वाली हूँ आपको स्किन केयर रूटीन। और ये मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है चंद्रिका शर्मा, उनके लिए भी है, आपकी शादी होने वाली है तो ये आपके लिए भी है। अच्छा, ये पैक ना, सॉरी, ये स्किन केयर ना मैंने यूज किया है खुद से और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, पॉइंट वाइज बताऊंगी सारी चीजें। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अनदर चैनल्स के भी लिंक है, वहां पर जाकर प्लीज उनको चेक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला टिप नंबर 1 क्या है, आपको हफ्ते में ये 2 से 3 बार, जो भी बता रही हूँ 2 से 3 बार यूज करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को वॉश करोगे किसी भी फेस वॉश से, जो भी आपके पास मतलब आपकी स्किन के लिए सुटेबल हो, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं आपको कोई अच्छा सा फेस वॉश बताऊं, तो मैं बताऊंगी आपको पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा अमेजिंग है। तो आप वो फेस वॉश यूज कर सकते हो या कोई भी। आप सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश कर लोगे फेस वॉश यूज करके, उसके बाद आप कोई भी स्क्रब यूज करोगे। अच्छा, मैं अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्क्रब आप हमें बता दें, तो मेरे पास है जोवीज का ब्राइडल वाला स्क्रब और मेरे पास एवरयूथ का भी है, तो मैं या तो इन दोनों में से कोई यूज करती हूँ, या तो फिर मैं अपना अगर मुझे घर पर बनाना होता है तो मैं बनाती हूँ कॉफी और राइस पाउडर, थोड़ा सा कॉफी थोड़ा सा राइस पाउडर एंड कोकोनट ऑयल मिक्स करके, ये तीनों चीजें मिक्स करके मैं इसका स्क्रब बनाती हूँ अपने लिए जब भी मुझे बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब पहले आपने फेस को वॉश किया, फिर आपने फेस पर स्क्रब किया, कोई भी स्क्रब, कोई भी जो भी आपके पास हो, आप मार्केट से, ऐसा नहीं है सस्ता है महंगा है, कोई भी स्क्रब आपको लेना है। और जब आप स्क्रब करोगे उस टाइम आपको स्टीम लेनी है, ये आप 2 से 3 मिनट करोगे। ठीक है, आपके पास स्टीमर है तो आप उसे स्टीम ले सकते हो, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो जब भी आप फेस को वॉश करने लगते हो उस वक्त आप एक भगोने में पानी ले लीजिए 3 गिलास के करीब और उसको गैस पर रख दीजिए, तब तक वो बॉयल होगा, आप फेस वॉश कर चुके होंगे। उसके बाद जब आप स्क्रब करोगे पूरा 2 मिनट आप उस भगोने के ऊपर ही अपना फेस करोगे और पूरी आपके फेस पर मतलब गरम गरम भाप लगती रहे और अपने फेस को आप रब करते रहोगे। अभी आपको डार्क स्पॉट्स है, अगर पिगमेंटेशन है, स्किन कहीं कहीं से अनइवन स्किन टोन है, तो और ड्राई स्किन है, डैमेज है, वहीं पर आप ज्यादा स्क्रब करोगे। स्टीम लगनी चाहिए उस एरिया पर जहां पर आप स्क्रब कर रहे हो, उस भगोने के ऊपर आप पूरा अपना फेस करोगे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से स्क्रब करोगे। ठीक है, ये सेकंड टिप था। इसके बाद फेस को आप वॉश कर दोगे नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से, गर्म यूज नहीं करना। ठीक है, जो भी बता रही हूँ उसके बाद ही आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपने फेशियल करा लिया है पार्लर में जाके। और जब हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये पूरा प्रोसेस रिपीट करोगे तो आप सोच सकते हो कि 1 महीने में आपकी स्किन यहाँ से यहाँ मिलेगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल 0 से 100 तक आपकी स्किन इतना ज्यादा ग्लो करेगी। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, आपको फेस पैक यूज करना है। ये मैं बताऊंगी आपको कि आपको फेस पैक कौन सा यूज करना है। तो फेस पैक बनाने के लिए आपको एक बाउल लेना है, इसमें थोड़ा सा दूध मिल गिर गया इस वाले बाउल से, क्योंकि हमें अपने फेस पैक में दूध भी यूज करना है। तो जो मैं समझती हूँ कि स्किन वाइटनिंग जो फेस पैक है, वो जो मुझे लगता है बहुत ही इफेक्टिव है, वो है ये मसूर दाल का पाउडर। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हो, आप राइस पाउडर, आप बेसन या तो फिर आप कॉफी कुछ भी यूज कर सकते, तो हमने लेना है सिर्फ 1/2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। ये मैंने खुद से बनाकर रखा हुआ है, देखिए इतना, और आप भी इस तरह से एक साथ ही बनाकर रख सकते हो। जो हमें सेकंड चीज इसके अंदर डालनी थी वो हमें डालना है दूध। इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और बस, इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं चाहिए। ये हमारा बहुत ही अच्छा पैक रेडी हो जाता है। अच्छा, जब आप स्क्रब करते हो उससे पहले ही आप ये पैक बनाकर रख लें, जिससे कि स्क्रब करने के फौरन बाद आप इसको लगा लें। ठीक है, स्टीम लिया है हमने, अच्छे से स्किन की डेड स्किन हट चुकी है, स्किन हमारी बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सी हो गई है, पोर्स ओपन हो गए हैं,
उस टाइम आपको ये पैक लगाना है अपने फेस के ऊपर, इसको पहले ही बनाकर रख लीजिएगा। तो जी ये पैक लगा लीजिए, इस तरह से रब नहीं करना, सिर्फ ऐसे लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। दूध और मसूर की दाल आपकी स्किन पर बिल्कुल एक ऐसा ग्लो लेकर आता है, अमेजिंग सा ग्लो आता है इस पैक को यूज करने के बाद, क्योंकि दूध की जो प्रॉपर्टी है वो भी स्किन वाइटनिंग है एंड मसूर दाल प्रॉपर्टी है वो भी स्किन वाइटनिंग है। मसूर दाल में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं एंड स्किन पर ग्लो लाने के साथ साथ स्किन को वाइटन तो जरूर करती है। ठीक है, ये पैक हमने लगा लिया। अब इस पैक को आपको 20 से 25 मिनट छोड़ना है, ड्राई हो जाएगा पहले, लेकिन 20 से 25 मिनट छोड़ना ही है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कोई भी पैक आप लगाते हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम उसको आपको देना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से, जिससे कि वो पैक आपके फेस पर इफेक्ट दिखा सके। तो जी जब ये 20 से 25 मिनट हो जाएंगे इसको, तो फिर आप इसको नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से वॉश कर दो। तो तीन स्टेप हो गए हैं कम्प्लीट। ये देखिए स्किन बिल्कुल ऐसे ही आपकी शाइन करेगी और ब्राइट हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल स्पॉटलेस, है ना। तो तीन स्टेप हमने फेस वॉश कर लिया, स्क्रब कर लिया, फेस पैक यूज कर लिया, अभी दो स्टेप और बाकी हैं, तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखना। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, जब आपकी स्किन ऐसे गीली हो, अभी आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा गीला है, उसी टाइम आपको क्या अप्लाई करना है अपने फेस पर, आपको अप्लाई करना है ये वाला सीरम। ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था सीरम की इसको कैसे बनाना है और उसका रिजल्ट मैंने क्या मतलब अपने ऊपर फील किया है वो सब मैंने बताया था आपको। सिर्फ यही लगाने से मुझे ऐसा ग्लो मिला है जैसे मैंने फेशियल कराया है या मैं रोजाना फेशियल करती हूँ। तो आपको थोड़ी सी स्किन जब गीली हो उस वक्त थोड़ा सा ये लेना है सीरम। अच्छा, आप मेरे चैनल पर जाकर भी ये वाली सीरम वाली वीडियो या रेमेडी जान सकते हो और मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर ये चेक कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव है, इसको बनाइए और यूज कीजिए। जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हो उतना ही टाइम आपको ये लगाना है। तो ठीक है, ये सीरम लगा लीजिए आप और हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट आप हल्की हल्की मसाज कीजिए अपने फेस पर इस तरह से। जब ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप 1 मिनट तक इस तरह से ऐसे अपने फेस पर थप्पड़ फेशियल करोगे, ठीक है, फिंगर से ऐसे आपको टैप टैप अपने फेस के ऊपर करना है, बहुत जोर से नहीं मारना, ऐसे फिंगर से करना है पूरे फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर, ठीक है, ऐसे सिर्फ 1 मिनट तक। जो आपने सीरम लगाया देखिए बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन के अंदर और स्किन पर कैसी शाइन आ रही है, आपके फेस पर बिल्कुल ऐसा ही ग्लो आने वाला है। अच्छा, अब जो अगला स्टेप है, टिप नंबर 5, अगली टिप क्या है, इसके लिए आपको अपने पास रखना है ये बादाम का तेल। अब फेस पर तो सीरम लगा लिया, फेस पर जितना भी हमें जो चीज लगानी थी करना था सब हमने लगा लिया कर लिया। अब ये बादाम ऑयल का क्या करना है, बादाम ऑयल आपको अपने बेली बटन पर लगाना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको रोजाना, या तो आप सुबह नहाकर लगाइए इसको, जब आप नहाते हो उसको बाथरूम में ले जाइए, आप 2 से 3 ड्रॉप लीजिए बस अपने बेली बटन में, अच्छे से लगाइए आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे मसाज कीजिए हल्की हल्की चारों तरफ भी और बीच में भी, ऐसे 2 से 3 ड्रॉप लगाइए और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी का जो एक मतलब मेन पॉइंट है वो हमारा बेली बटन है, वहां से आप अपनी पूरी बॉडी को नरिश बना सकते हो, वाइटन बना सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो, पूरी बॉडी की स्किन को हेल्दी बना सकते हो। बादाम का तेल रंग को गोरा करता है, स्किन को बिल्कुल बेबी सॉफ्ट बना देगा, ठीक है, ये आपको या तो रात को सोने से पहले ही लगाना है या तो फिर आपको नहाने के बाद लगाना है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना, पूरा जो प्रोसेस बताया है वो भी अपनी जगह बिल्कुल मतलब एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना और ये भी आपको मिस नहीं करना। शादी के अगर आपकी शादी को 1 महीना भी रह गया है ना, मान लीजिए 15 दिन भी रह गए हैं और ये चीजें आप फॉलो कर लेते हो जो मैंने आपको बताया है, तो आपकी स्किन पर ऐसा ग्लो होगा बिना मेकअप के भी आप बिल्कुल ऐसा लगेगी जैसे आपने मेकअप किया हुआ है, बिल्कुल आपकी स्किन फ्लॉलेस लगेगी एंड बहुत ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो। तो ये सब चीज़ें इसको ज़रूर बना लीजिएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव है एंड ये सब चीज़ें आप कीजिए, सब टिप्स आप फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इसका आपको क्या रिजल्ट मिला, फर्स्ट टाइम यूज़ में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।